नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज मैं भाग चार जो अर्थशास्त्र का है उसे मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसमें पहला टॉपिक दिया है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? यह हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। क्या हो जाएगा? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन एक प्रसिद्ध रूसी राजनेता थे जिसका कार्यकाल 1922 से 1953 तक रहा। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। इन्होंने ही पहली बार 1925 ईस्वी में अपनी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्न हैं। पंचवर्षीय योजना का निर्माण, कृषि क्षेत्र में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य आदि है। अगला है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो ये हो जाएगा 12वीं। वर्तमान में भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 योजना चल रही है, जिसमें कृषि विकास का लक्ष्य 4%, उद्योग विकास दर का लक्ष्य 10.9%, सेवा में विकास दर का लक्ष्य 10% वार्षिक रखा गया है और सकल घरेलू उत्पाद का दर का लक्ष्य 9% रखा गया है, जिसको बाद में घटाकर 8% वार्षिक दर कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1979 से 80 ऐसा वर्ष रहा जब भारत प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर पाई गई। छठी योजना को लेकर 12वीं योजना तक सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्र पर हो रहा है तथा इसका उद्देश्य केंद्रीय बिंदु, तीव्रतर संपोषण और अधिक समावेशी विकास था। अगला है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक निर्धारित है। पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ही मुख्य थीम तीव्र अधिवेशन, समावेशी एवं सतत वृद्धि है। क्या है? तीव्र अधिवेशन, समावेशी एवं सतत वृद्धि है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? यह हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। यद्यपि गरीबी निवारण संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगला टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें है पहला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, यह हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? यह हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। अगला है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
है, तो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, ये भी सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। इसमें आपका सी सही हो जाएगा। आगे है इसमें, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में उपयुक्त चारों कथन, अर्थात सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना व समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना सत्य है। अगला है सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह हो जाएगा वी केलकर। क्या हो जाएगा? वी केलकर। आगे है इसमें, बुनियादी ढांचा विकास हेतु डॉक्टर वी केलकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदार PPP मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट 28 दिसंबर 2015 को जारी की गई। अगला टॉपिक है हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। इसमें है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो ये हो जाएगा पीली क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से तथा पीली क्रांति तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। अगला है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो कौन से हुए? तो ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तरी प्रदेश, पश्चिमी उत्तर उत्तरी प्रदेश हो जाएगा। आगे है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बौनी प्रजातियों के प्रयोग से हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई, परंतु 1983 के बाद इसका प्रसार चावल की कृषि में हुआ। बाद में हरित क्रांति का प्रसार पूरे भारत वर्ष में हुआ, परंतु सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही रहा। अगला है, दिए गए कूट की पहचान से हरित क्रांति के घटक चुनिए। ये इसमें देख लेते हैं आगे, इसमें आपका एक और दो सही हो जाएगा। एक और दो ये है, उच्च उत्पाद देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई। आगे है इसमें, भारत में 1966-67 ईस्वी में की गई नई कृषि नीति में उन्नत किस्म के बीजों को अपनाने, रासायनिक खादों के प्रयोग तथा बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हरित क्रांति के सूत्रपात का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मैक्सिको की कृषि वैज्ञानिक नार्मन बोरलॉग को है। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन में पड़ा। इसके बाद धान एवं गन्ना का उत्पादन हरित क्रांति के फलस्वरूप बढ़ा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो ये हो जाएगा M.S. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता S.S. स्वामीनाथन है, जबकि इसके जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में गेहूं की नई किस्म खोज कर गेहूं उत्पादन में क्रांति ला दी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों तथा बहुफसली कार्यक्रम के फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नीली नीली क्रांति। इसमें है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। विभिन्न कृषि क्रांतियां इस प्रकार हैं, सुनहरी क्रांति उद्यान या फल उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति अनाज उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। अगला है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था, तो यह हो जाएगा गेहूं के उत्पादों में। आगे है भारत में हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुई। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ हद तक धान की खेती पर पड़ा तथा हरित क्रांति का प्रभाव क्षेत्र पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक देखा गया। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्न में से किससे संबंध है, ये हो जाएगा दुग्ध आपूर्ति से। क्या हो जाएगा? दुग्ध आपूर्ति। ऑपरेशन फ्लड योजना दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई योजना है। यह योजना स्रोत श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। यह योजना तीन चरणों तक 1978 से 1980 तथा 1985 से 1994 तक चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई और भारत विश्व में प्रथम दुग्ध उत्पादन देश बन गया। अगला टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इसमें है भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी, ये हो जाएगा ICICI बैंक। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश ICICI बैंक ने 1998 में की थी। ICICI बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। पहले इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अगला है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल जमा का लगभग 29% भाग नियंत्रण करता है। 13,000 शाखाएं, 190 विदेशी ऑफिस। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। अगला प्रश्न है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया, तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है। 1955 ईस्वी के बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कर दिया गया। आगे है भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है, ये हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है। इन सबको ऋण नाबार्ड बैंक देती है। नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती और तथा बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है।
सबसे ज़्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंक ने तत्पश्चात सहकारी बैंक ने ऋण दिए हैं। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात एक्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1982 ईस्वी में। वर्ष 1981-82 के केंद्रीय बजट में भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी तथा वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन किया गया। इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1935 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे तथा वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो यह हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक नामक पूर्ण बैंक की शुरुआत कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून माह में इसे वाणिज्यिक बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दी थी। अगला है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा राज्य में नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाना, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो हो जाएगा 6 बैंकों का। आगे है, भारत ने 14 उन बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया था जिस बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। पुनः 15 अप्रैल 1980 को उन 6 व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी जमा एवं धन राशि 200 करोड़ से अधिक थी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? यह हो जाएगा उर्जित आर पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया? तो हो जाएगा 6 बैंकों का। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी थी। यह विधेयक 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? यह हो जाएगा आरबीआई अधिनियम की धारा 7। भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह अपना निर्णय स्वयं करता है परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार आरबीआई के गवर्नर से परामर्श लेकर लोक हित में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 के अनुसार। अगला है, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? यह हो जाएगा कोलकाता में स्थित था। जब आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई
थी, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, परंतु 1937 में यह अस्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें अगला ऑप्शन है, इसमें आपका ए सही हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। आगे है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए आरंभ की गई एक योजना है। यह एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखता है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है। बैंकिंग लोकपाल RBI द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो ये हो जाएगा फेडरल बैंक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फेडरल बैंक लिमिटेड। इसमें है इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा यूको बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जबकि फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका कार्यालय कोच्चि केरल में स्थित है। अगला टॉपिक है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। इसमें प्रश्न है, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। इसमें हो जाएगा औद्योगिकीकरण। वर्ष 1991 ईस्वी में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई उदार आर्थिक नीति प्रारंभ करने के पीछे निम्न उद्देश्य प्रमुख थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना, मुद्रा स्फीति की दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना, आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना इत्यादि। वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के तीन प्रमुख घटक या तत्व थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यह हो जाएगा जीवी रामकृष्ण। भारत में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन वर्ष 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया। अगस्त 1999 तक इस कमेटी ने 58 सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित सिफारिशें दी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश हेतु 16 मार्च 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दो भागों, सामरिक और गैर सामरिक में बांटा गया। नोट में है, भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में सरकारी अंशधारिता नियंत्रण को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाता है। भारत में विनिवेश की प्रक्रिया का आरंभ वर्ष 1991-92 रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है? इसमें हो जाएगा वैश्वीकरण की ओर। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तीव्र करना, ताकि
भारतीय उद्योगों को वैश्वीकरण की ओर उन्मुख करके विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जा सके। अगला प्रश्न है, BIFR संबंधित है, ये हो जाएगा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में पुनर्निर्माण से। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए जनवरी 1987 में एक सांविधिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR की स्थापना की गई। इसकी जांच के लिए 2933 मामले निजी क्षेत्र के 80 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा 135 राज्यीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। BIFR की स्थापना टी तिवारी समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। अगला है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, तो 1991 में। नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में अपनाई गई। वर्ष 1991 में सरकार ने आर्थिक स्थिरीकरण एवं ढांचागत सुविधा के रूप में आर्थिक सुधार किए। अगला प्रश्न है, इसमें है अभी और है, आर्थिक स्थिरीकरण का संबंध मांग प्रबंधन से है, जबकि ढांचागत सुधार अर्थव्यवस्था की पूर्ति पक्ष की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। आर्थिक स्थिरीकरण, इसके अंतर्गत तीन प्रकार के सुधार किए जाते हैं, मुद्रा स्फीति की नीची व स्थिर दर, भुगतान संतुलन की समर्थक स्थिति और राजकोषीय संतुलन। दूसरा है ढांचा सुधार, इसके अंतर्गत निम्न उपाय अपनाए जाते हैं, व्यापार तथा पूंजी प्रवाह सुधार, औद्योगिक नियंत्रण को समाप्त करना, सार्वजनिक उपक्रम सुधार और उनमें विनिवेश, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। अगला प्रश्न है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था, यह हो जाएगा 1991। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने के द्वारा की गई। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए, औद्योगिक लाइसेंसिंग को सीमित किया गया, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, चार है विदेशी निवेश और पांच है विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई। अगला टॉपिक है, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इसमें है कृषि सुधार या ढांचागत सुधार या श्रम सुधार या आर्थिक सुधार के प्रश्न। इसमें प्रश्न है, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है, ये हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा ई रकम। भारत सरकार ने कृषि उत्पादों की बिक्री को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई रकम पोर्टल को आरंभ किया है। इसमें पहला है, ई रकम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला उद्यम है, जिसमें स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। यह एक डिजिटल पहल है जिसमें किसानों PSU सिविल सप्लाई व खरीद दर को एक मंच प्राप्त होता है। इस पहल के अंतर्गत किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने पर ई पेमेंट द्वारा उसके खाते में सीधे धनराशि प्राप्त होगी। इस पहल के तहत ई रकम को विभिन्न चरणों में पूरे देश में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसान फसलों को ऑनलाइन बेच सके। आगे है, अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, ये हो जाएगा 1948 में। अधिक अन्न उपजाओ अभियान वर्ष 1948 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर तकनीक की व्यवस्था करना था, ताकि उपज की मात्रा बढ़ाई जा सके। यह अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया
प्लेटफार्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा कृषि उत्पाद बेचने के लिए। भारत सरकार द्वारा ई रकम एक नया प्लेटफार्म है जिसमें स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। 1 अगस्त 2017 को कृषि मंत्रालय किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए ई रकम ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा 15.87%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा 15.87% भाग का योगदान प्राप्त हुआ है। एक निश्चित अवधि में किसी देश की उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है। यह एक आर्थिक संकेतन भी है जो देश के कुल उत्पादन को मापता है। प्रति व्यक्ति और उद्योगों द्वारा किया गया उत्पादन भी शामिल किया जाता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP सामान्यतः किसी देश के जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था की समृद्ध सूचक माना जाता है। वर्तमान में यह कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 17.1% है। अगला प्रश्न है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को $ कितने डॉलर तक बढ़ाया गया है? तो यह जगह 40 बिलियन से अधिक। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत में कृषि निर्यात को $40 बिलियन से अधिक बढ़ाना है। निर्यात बढ़ाने के लिए अलग अलग उत्पादन के लिए अलग अलग राज्यों में विशेष समूहों को स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वर्तमान में चावल, गेहूं और समुद्री उत्पाद कुल कृषि निर्यात का लगभग 52% है। अगला प्रश्न है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो जगह उत्तराखंड। विशेष कृषि क्षेत्र SAZS स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड था। विशेष कृषि क्षेत्र SAZ में कृषि गतिविधियों के लिए प्राथमिकता सिंचाई सुविधाओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत वर्ष 2005 में की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? यह हो जाएगा अनुकूल मंडी। भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष निम्न हैं, भंडार की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, वित्तीय स्रोत की कमी आदि। अनुकूल मंडी कृषि विपणन के दोषों में शामिल नहीं है। अगला है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा एक ऐसा संगठन नहीं है? ये हो जाएगा भारत के कृषि निगम। भारत में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कपास निगम नेफेड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमत आयोग उत्तरदायी है। अगला है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थक मूल्य भारत सरकार द्वारा पहली बार 1966-67 में हरित क्रांति के समय किया गया। वर्तमान में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थक मूल्य दिया जाता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य दिए जाने का उद्देश्य अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा किया जाता है। CACP की स्थापना 8 जनवरी 1965 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, तो हो जाएगा 14 जनवरी 1965 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी में की गई। इसका पहला जिला कार्यालय तंजौर में था, जब इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इसको फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत लागू किया गया है। भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों को क्रय करके गोदामों में भंडारित करता है। अगला है भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, तो हो जाएगा राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है, अतः कृषि पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अगला है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावित हुआ, तो यह हुआ था अप्रैल 2014 में। 1 अप्रैल 2014 को कृषि विपणन योजना के लिए एकीकृत योजना के कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI पूंजी निवेश सब्सिडी उप योजना में शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। अगला है राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है, यह है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई बाजार मंच है। यह पोर्टल किसानों, विक्रेताओं तथा खरीदारों को खरीद फरोख्त हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इसके जरिए बेहतर दाम मिलने तथा विपणन के तरीके में बदलाव हुआ है। अगला है कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा एग्री उड़ान कार्यक्रम किसानों को बिजनेस स्किल्स के लैस करने और खेती बाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें स्मार्ट खेती, इनोवेटिव फूड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, फिशरीज, पशुपालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए, यहाँ पे बताना है किस मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, तो हो जाएगा पूरा। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए PURA प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमेंटीज ऑफ रूरल एरियाज मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। इस अवधारणा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम केरल के 2 जिलों में एवं 2004 से 2007 में 3 वर्षों हेतु पायलट प्रोजेक्ट पर लागू किया गया था। अगला है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन AMRUT किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये हो जाएगा आवास और शहरी मामले। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन आवास और शहरी मामले के अंतर्गत आते हैं। इस योजना को जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है
रोजगार के अवसर की कमी की सबसे सही व्याख्या है। इसमें हो जाएगा, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। भारत में युवाओं को रोजगार संकट हमेशा से विशाल मुश्किलों से भरा है। भारत में हर महीने लाखों लोग बेरोजगार कर्मचारियों की संख्या में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान विकास मंडल एक निजी निवेश के आधार पर बनाया गया है। यह रोजगार के निर्वाह में असमर्थक है। कोएन कॉम्पियर इक्विटी स्टडीज तथा भारत अपवर्जन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियों की तुलना में केवल 2.7 लाख नौकरियां ही 2004 से 2010 तक की अवधि में पाए हैं। बेरोजगार युवाओं की बढ़ती भीड़, कृषि में कोई भविष्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं तथा भारत में बहुत कम ही ग्रामीण परिवार उपलब्ध हैं जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। जो सामाजिक जाति आर्थिक जनगणना के अनुसार अधिकांश ग्रामीण परिवार 55% के पास कृषि के लिए कोई भूमि नहीं है। उन्हें विशेष तौर पर शारीरिक श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें से अधिकांश प्रवासियों के रूप में अपने घर से दूर जाकर कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके काम के अनुसार उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होता। अगला है, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? यह हो जाएगा 2017 और 2018। आगे है इसमें, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को 2017-18 के दौरान क्रियान्वयन करने के लिए अनुमोदन किया था। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया, तो क्या हो जाएगा? सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 2019 में संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी किसानों को 6,000 रुपये 3 बराबर किस्तों में प्रदान करने का फैसला लिया गया। एक अन्य फैसले में प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। अगला टॉपिक है GST, वस्तु एवं सेवा कर GST। भारत में 1 जुलाई को कब पेश किया गया था? यह हो जाएगा 2017। वस्तु एवं सेवा कर अथवा GST गुड एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कर प्रणाली की दृष्टि से वस्तु एवं सेवा कर को 3 हिस्सों केंद्रीय GST, GST राज्य GST तथा IGST में बांटा गया है। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? यह हो जाएगा 3। GST एक प्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST को निम्नलिखित 3 घटकों में विभाजित किया गया है। पहला है CGST, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। दूसरा है
SGST इसके तहत राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। 3 है IGST इसके तहत अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। आगे है वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है, यह है 28%। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में पारित किया गया था तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में लागू किया गया। यह प्रत्यक्ष कर है, इसको लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके ब्रांड अम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में है। इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। GST पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होता है। इसमें 4 प्रकार की स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर के 28 स्लैब उच्चतम है। अगला है भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पूर्ति की गई थी, यह हो जाएगा असम। GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है। इसकी सर्वप्रथम पुष्टि असम राज्य ने की थी। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था तथा संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत GST परिषद का गठन किया गया था। GST की कुल 5 दरें निर्धारित की गई हैं, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं तथा GST के कुल 3 प्रकार हैं, CGST, SGST और IGST। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के GST पर अपनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति अध्यक्ष की नियुक्ति की है, यह हो जाएगा अमित मित्रा। 19 फरवरी 2016 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को वस्तु एवं सेवा कर पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्ति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह परंपरा रही है कि विपक्ष के किसी राज्य के वित्त मंत्री को राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसे मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगी। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।